टीकमगढ़ से खबर सामने आ रही है। बिजली विभाग में कार्यरत आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन विधायक राकेश गिरी का सौंपा ज्ञापन। पूरे मध्य प्रदेश के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने 21 जनवरी से काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। रविवार का हड़ताल के दूसरे दिन टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी पहुंचे, जहां पर संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगन को लेकर चर्चा करी और ज्ञापन सौंपो है। जी पर विधायक राकेश गिरी ने कही है कि जो ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का सौंप है और ज्ञापन में दर्शाए बिंदुओं पर चर्चा कर है और कही है कि चुनाव आने के पहले आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की मांगे पूरी करने की कोशिश कर है। वही आउटसोर्स कर्मचारियों को कह कि पिछले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हड़ताल समाप्त करने का कही थी और जल्द ही कोई निर्णय लेने की बात कही थी, जिसका लेके जहां हड़ताल समाप्त कर दी गई थी वही संघ के लोगों ने 20 जनवरी तक के आश्वासन का मानो तो और कही थी कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 21 जनवरी से काम बंद हड़ताल शुरू करी गई है, जिसका लेके रविवार का बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के परिसर में धरना प्रदर्शन करोगे। विधायक जानना चाहेंगे आज आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या इनकी मांगे हैं? आज टीकमगढ़ जिले के हमारे विद्युत विभाग के जो संविदा के अधिकारी कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके द्वारा अपना 4 सूत्री मांग पत्र आज हमें सौंपा गया है। उसमें उनकी जो मांगे हैं वो मैंने उसका अध्ययन किया पढ़ा है। निश्चित तौर पे हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं और हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्हें हमें जो पत्र सौंपा है उनका पत्र भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपेंगे, इस मामले में अवगत कराएंगे और उनसे इस बात में चर्चा भी करेंगे कि इनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं जिनायज हैं, इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। कुछ समय पहले शिवराज सिंह ने बयान दिया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग किया जाएगा, तो क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या उचित रहेगा ये? नहीं, ऐसा हमारे संज्ञान में तो कोई बात नहीं है और ना ऐसी कोई बात है और हम तो जो चाहेंगे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी जो मांगे मांगों के अनुसार उनको रखा जाए। सर जानना चाहेंगे कि आज विधायक जी यहाँ पर आए थे, आप लोगों का अनशन चल रहा है, हड़ताल चल रही है, किस तरह की मांगे हैं आपकी और ये कब तक चलेगी? दिसंबर से आंदोलन चल रहा है, इसमें हमारी 2 सूत्री मांगे हैं। पहली हमारी मांग है हमारे जो आउटसोर्स कर्मी है उनका सविलियन हो और दूसरी मांग है संविदा नियमितीकरण हो। इसका मैनेजर है कि आज हमारे आउटसोर्स 8,000 में पूरे 24 घंटे अपनी बिजली अगली सेवा करते हैं, उसके बाद इन लोगों के एक्शन जान भी चली जाती है, उसमें इनको ना अनुकंपा मिलती ना कुछ मिलता, 8,000 पर मंथ की नौकरी। तो जो भी हमारी मांगे हैं वो जायज मांगे हैं और हमारा आंदोलन दिसंबर चल रहा है। इससे पहले हमने भोपाल में ही प्रदर्शन किया था और उसके बाद जो हमारे सचिव जी हैं उनने आश्वासन भी दिया था वो बात करें, बट उन्होंने बात नहीं कराई, तो इसलिए हमने 21 तारीख से अपना ये आंदोलन चालू किया है और जब तक मांगे पूरी नहीं हुई तब तक आंदोलन चलता रहेगा। किस तरह की मांगे हैं आपकी? भाई 2 मांगे हैं, पहली आउटसोर्स जो कर्मी है उनका सविलियन हो, आज उनको 8,000 मिल रहा है तो कम से कम पैसा उनको ठेजा थोड़ा ना मिलते, वो किसी कंपनी से मिले, कंपनी में उनकी कुछ भागीदारी हो, और दूसरी मांग है संविदा नियमितीकरण। आज विधायक जी आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि भोपाल में बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, बैठक में जल्द से जल्द समस्या निराकरण करवाएंगे। जिले में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी? पूरे मध्य प्रदेश में अगर बिजली विभाग की बात करें तो 7,000 के आसपास हमें संविदा कर्मचारी हैं और आउटसोर्स में कम से कम अपने 45 पूरे मध्य प्रदेश में हैं और सभी और ये पूरी जो हड़ताल है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगे आपका किस तरह का आंदोलन रहेगा? हमारा आंदोलन अभी ये लोग जिला लेवल चल रहा है, पर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग भोपाल में या जबलपुर में सभी लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे आंदोलन करेंगे। फिलहाल की खबर में इतना ही, आगे खबरें जान भी दिलाने चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा वो बिल्कुल ना भूलें। खास खबर बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरें जान भी दिलाने चैनल का सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा वो बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे जाके जल्दी से फटाफट से फॉलो कर लें तो ऐसे ही खबरें आपका फटाफट से उत्तर मिल जाए, बेल आइकन दबा वो बिल्कुल ना भूलें और बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे। शिवांगी तिवारी के साथ जयराम जी की जय बुंदेलखंड।